कर्मचारियों की पेंशन पर हलचल। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल में पेंशन के लिए लड़ाई का ऐलान हो गया है। कॉरपोरेट कर्मचारी संघ ने अब बड़ी रणनीति बना ली है। साथ ही एनपीएस कर्मचारियों की वोट फॉर ओपीएस मुहिम का ड्राफ्ट भी सामने आ गया है। इससे अब चुनावी साल में सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जाएगी। ओपीएस की बहाली के लिए सीएम का बयान भी कर्मचारियों में उम्मीद की नई किरण जगा रहा है। क्या होगा अब आगे, हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं राजेश शर्मा और ओंकार सिंह। पेंशन के लिए बड़ी लड़ाई का ऐलान। जी, हिमाचल में बहुत बड़ी लड़ाई का एक ऐलान हो गया है पेंशन की बहाली के लिए। और एनपीएस के कर्मचारी तो पुरानी पेंशन की बहाली के लिए पहले ही पिछले 30 दिन से आंदोलन पे बैठ के लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन एक और वर्ग सरकार के खिलाफ उठ खड़ा हुआ जो पेंशन की मांग कर रहा है। चर्चा इस पे करेंगे, साथ ही साथ मसले उन पे भी चर्चा करेंगे कि कैसे कर्मचारियों को लाभ कहां कहां नहीं मिल रहा है, अब आगे रास्ता क्या है, कर्मचारियों के पास क्या रास्ता है, सरकार क्या कदम उठाने जा रही है, चर्चा इस पे भी करेंगे। शुरुआत पेंशन से कर लेते हैं ओंकार जी। हिमाचल में एक तरह से कहें तो पेंशन की लड़ाई बहुत तेज हो गई है, और चाहे बात ओपीएस की हो या बात फिर दूसरी पेंशन की हो, सरकार को धमकी आज दे दी गई है। मसला हमीरपुर से शुरू हुआ है ओंकार जी, क्या जानकारी है? बिल्कुल बिल्कुल राजेश जी, ये जो बोर्ड और निगमों के पेंशन्स हैं जी, इन्होंने सरकार को एक तरह से चेतावनी दे दी है कि अब आर और पार की लड़ाई होकर रहेगी। इन्होंने कहा है, आज हमीरपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इन्होंने कहा कि 24 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंडी आ रहे हैं जी, तो हम 24 से पहले पहले ही मंडी में एक बहुत विशाल रैली, एक धरना प्रदर्शन वहां करने जा रहे हैं, क्योंकि हमें पेंशन के नाम पे ठगा गया है। तो इनका ये कहना है कि हमें इस पे कुछ भी नहीं मिल रहा, ना डीए मिल रहा है, ना एरियर मिल रहा है, ना समय पे पेंशन मिल रही है, ना पेंशन में बढ़ोतरी हो रही है। तो इस तरह से इन्होंने ये किया हुआ है। अब आप देखिए कि इस ये जो संगठन है बोर्ड और निगमों के पेंशनरों का, इसमें 50% से ज्यादा जो है वो भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं, पदाधिकारी हैं, और इस संगठन ने आज बिल्कुल खुले तौर पर ऐलान किया है कि जितने भी भाजपा से संबंधित पदाधिकारी हैं ये 24 तारीख से पहले पहले अपने पदों से इस्तीफा दे देंगे और उस यूनियन के साथ जुड़ते हुए मंडी में एक बड़ा प्रदर्शन जो है वो करेंगे। बिल्कुल, मंडी में बहुत बड़ा प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि मंडी में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 24 सितंबर को रैली होने वाली है। हमीरपुर में ये जो प्रदेश कॉर्पोरेट सेक्टर के सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं ओंकार जी, इनकी एसोसिएशन के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं देवी लाल ठाकुर, आज मीडिया से रूबरू हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने की और 2 दिन के भीतर इन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाने का एक तरह से आह्वान किया है, या सरकार से एक सरकार को कहें तो धमकी एक तरह से दी है। इन्होंने यह कहा है कि जितने भी इनके जिला के एसोसिएशन के प्रधान हैं उनसे मंत्रणा की जाएगी, फिर उसकी बाद जो है वो पोस्टर बैनर और झंडे लेकर मंडी की तरफ कूच किया जाएगा। याद दरअसल 2007 का बीजेपी को ये अपना उनके जो इलेक्शन मैनिफेस्टो जो उन्होंने जारी किया था, चुनावी घोषणा पत्र जो आया था बीजेपी का, जिसमें इस सेक्टर के इन कर्मचारियों के लिए सरकार ने पेंशन का ऐलान करने का वादा इनके साथ कर रखा था। लेकिन आज आप देखिए 2007 के बाद 2022 तक, क्योंकि वादा पूरा नहीं हुआ इसीलिए अब ये मुखर एक तरह से हो गए हैं। याद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को दिलाई है, क्योंकि उस वक्त भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर होते थे, और साथ ये भी कहा है कि 112 करोड़ रुपए सालाना सरकार को चाहिए इन कर्मचारियों को पेंशन देने के लिए, जिनकी प्रदेश में संख्या 6730 के आसपास अब बची है। और याद ये भी दिलाया है कि लगातार ये वर्ग कम होता जा रहा है, तो इसीलिए सरकार इनकी पेंशन को जल्द से जल्द बहाल करे, नहीं तो आने वाले दिनों में बहुत बड़ा एक आंदोलन सरकार के खिलाफ या सरकार के सामने खड़ा होने जा रहा है ओंकार जी, इस तरह की धमकी उन्होंने दी है। अब जरा ओपीएस की बात भी कर लेते हैं, वो एनपीएस के कर्मचारी भी तो पेंशन के लिए ही हड़ताल पे एक तरह से बैठे हुए हैं, अनशन पे, क्रमिक अनशन पे बैठे हुए हैं। 30 दिन हो गए, राजधानी शिमला से शुरुआत हुई थी 13 अगस्त से इनके आंदोलन की, ना तो अधिकारी सुध ले रहे हैं ओंकार जी, ना ही सरकार कोई पूछ रही है, तो क्या समझा जाए, अब सीधी एक सीधा रण होगा या कोई अभी और कोई विंडो बचती है सुलह की, या फिर उम्मीद की किरण जगती है इन कर्मचारियों के बीच कि सरकार ओपीएस बहाल करेगी, क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल राजेश जी, 15 अगस्त को आपको याद होगा कि सरकार के एक मंत्री ने एक कांग्रेस पे तंज कसा जी, मंत्री महोदय ने यह तंज कसा कि आप कांग्रेस के भरोसे मत रहिए, कांग्रेस आपको ठग रही है, भ्रमित कर रही है जी, और हम यानी हमारी सरकार जो है इस पेंशन को बहाल करेगी। ठीक है,
तो 15 अगस्त से लेकर आज दिन तक कोई भी दूसरा कोई बयान नहीं आया है, उस बयान पे कोई भी हरकत दिखने को नहीं मिलती है। 30 दिन से ये लोग शिमला में क्रमिक अनशन पर बैठे हुए हैं, उसके बाद इन्होंने चारों विधानसभा क्षेत्रों के मुख्यालयों पे भी अनशन शुरू कर दिया, और इस दौरान ना तो कोई सरकारी कर्मचारी उनसे मिलने आया, ना ही सरकार से कोई इस तरह का बयान आया। अब इन्होंने ऐलान कर दिया है कि 15 सितंबर के बाद हम जो है एक नया आंदोलन खड़ा करने जा रहे हैं। बिल्कुल, नया आंदोलन खड़ा करने जा रहे हैं। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज ऊना में थे, ओंकार जी, वहां ओपीएस को लेकर उन्होंने भी एक तरह से मीडिया को जब जो रूबरू थे पत्रकारों से, तो जवाब पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि मसला बहुत गंभीर है और कांग्रेस इस मसले को पॉलिटिसाइज कर रही है, राजनीतिकरण इस मसले का किया जा रहा है, जबकि ये कर्मचारियों का, विशुद्ध रूप से कर्मचारियों का मसला है। एक चीज उन्होंने कहा कि गंभीर मसला है और इस मसले को उन्होंने एक तरह से यह बोल दिया है कि भाजपा इस पे गहनता से मंथन कर रही है कि पुरानी पेंशन कैसे बहाल हो सकती है, क्योंकि जब ये एमओयू साइन हुआ था उस दौरान और अब के दौरान की परिस्थितियों को अगर देखते हैं तो बहुत बड़ा अंतर एक आ गया है, क्योंकि उस दौरान यह नहीं देखा गया था कि जिस अगर भविष्य में ओपीएस बहाल करनी पड़ जाए तो किन रास्तों से या किस माध्यम के साथ वो ओपीएस बहाल होगी। मुख्यमंत्री ने यह कह दिया है कि एक तो कांग्रेस झूठे वादे कर्मचारियों से कर रही है, और दूसरा उन्होंने यह कहा है कि इस तरह का वादा बीजेपी नहीं कर रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि किस तरह के वादे कर्मचारियों से करने हैं, और बीजेपी वही वादा कर्मचारियों के साथ करेगी जो पूरा किया जा सके। तो इस तरह से उन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जहां ओपीएस को लेकर एक बयान दिया, लेकिन बड़ी बात यह है कि उन्होंने ये कहा कि इसमें गहनता से विचार चल रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं रास्ता अभी भी एक बचता है, इसीलिए कर्मचारियों को भी, एनपीएस के जितने भी कर्मचारी एक तरह से क्रमिक अनशन पे हैं, उनको एक उम्मीद है कि ये राष्ट्र ओपीएस एक न एक दिन बहाल जरूर होके रहेगी, क्योंकि इस तरह के बयान जब सामने आ रहे हैं। कार जी 15 सितंबर की आपने बात कर दी, एनपीएस वोट फॉर जो ओपीएस की मुहिम इनकी शुरू होने जा रही है इन कर्मचारियों की, क्या खास होगा इस अभियान में इस बार? बिल्कुल, आप देखिए राजेश जी, कि एनपीएस कर्मचारी एसोसिएशन जो है वो वोट फॉर ओपीएस का अभियान चला रही है 15 सितंबर के बाद, और 15 सितंबर के बाद मैं, जैसे मैंने पहले भी बताया कि पहले तो ये चार भी लोकसभा क्षेत्रों के मुख्यालयों में बैठे हुए थे। बिल्कुल, अब इन्होंने वोट फॉर ओपीएस का अभियान इस तरह से उसका ताना बाना बुना है, इस तरह से खाका तैयार किया है कि प्रदेश के कोने कोने में इनके जहां जहां कर्मचारी हैं वहां वहां ये अपना धरना प्रदर्शन करेंगे, जो भी सरकार को संदेश देना होगा वो देंगे, और ये जो है तब तक चलता रहेगा जब तक सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिल जाता। इस अभियान के बाद भी अगली रणनीति जो है उसको तैयार किया जाएगा, तो इस तरह का इनका पूरा ये रणनीति के तहत ये चले हुए। बिल्कुल, रणनीति के तहत इसलिए भी चले हुए क्योंकि आज तक तो इन्होंने कह दिया कि हमने कई मंत्रियों को या कई जो जितने भी पॉलिटिशियन है उनको उनके पक्ष में वोट दिया था, लेकिन पहली बार ये कर्मचारी अपने लिए इस बार वोट करने जा रहे हैं, अपनी पेंशन के लिए वोट करने जा रहे हैं। अब इसका फॉर्मूला तो सीधा है कि वोट किसके लिए और किसके पक्ष में करेंगे। पहले जिनके लिए किया था वो सत्ता में आए, जीते, अब जब अगली बार जब वो हार गए तो उनको तो पेंशन लग गई, लेकिन इन कर्मचारियों को इनका वोट होने के बावजूद क्या मिला, इसीलिए ये वोट फॉर ओपीएस का अभियान इस बार शुरू हो गया है। अब इसकी जो रणनीति है, योजना का जो खाका तैयार एनपीएस के कर्मचारियों ने किया है, उसमें हर कर्मचारी अपने घर के बाहर एक पोस्टर लगाएगा ओंकार जी, और उसमें यह लिखा जाएगा कि अब की बार उसका परिवार पेंशन के नाम पे मतदान करेगा, यानी कि वोट फॉर ओपीएस वो होगा, और इसके तहत बड़े बड़े होल्डिंग पूरे प्रदेश भर में भी लगाए जाएंगे, और इस साथ ही साथ फिर 5 लाख पोस्टर बांटे जाने का इन्होंने एक तरह से ऐलान कर दिया है जनता के बीच में जाकर, ताकि जनता को बताया जा सके कि सरकारें किस कदर उन लोगों को पुरानी पेंशन के नाम पर परेशान कर रही है। एक चीज वो, अब इन्होंने इसके जो टारगेट जो सेट किया है, पूरा फोकस एक तरह से कहा है कि कांगड़ा जिला पे रहने वाला है, और इसके दो कारण माने जा रहे हैं। पहला कारण जो ये कर्मचारी मान रहे हैं, एनपीएस का संगठन जो मान रहा है कि कांगड़ा में जितनी भी अब तक एनपीएस की चाहे रैलियां हैं, चाहे कोई कोई आयोजन हुआ है, चाहे कोई मीटिंग्स हुई है, तमाम इन रैलियों में, तमाम मीटिंग्स में कांगड़ा में एक कर्मचारियों में बहुत ज्यादा उत्साह देखा गया है, और कर्मचारियों की रैलियों के लिए या प्रदर्शनों के लिए कांगड़ा से बहुत सारे कर्मचारी पहुंचते हैं, तो इसलिए कांगड़ा को उन्होंने टारगेट किया है। लेकिन अगर इसका
दूसरा पक्ष देखें तो कांगड़ा में, क्योंकि प्रदेश का सबसे बड़ा जिला राजनीतिक तौर पे है, 15 विधानसभा सीटें कांगड़ा में हैं और सत्ता की क्योंकि चाबी कांगड़ा के हाथ में होती है और जो जिस भी दल की 15 में से जितनी ज्यादा सीटें आती हैं उसकी सरकार प्रदेश में बनती है। तो इसीलिए कांगड़ा के पास इस बार कुंजी सत्ता की होगी, तो एनपीएस के कर्मचारियों ने टारगेट इस बार कांगड़ा को कर दिया है। मकसद वही है कि पुरानी पेंशन कैसे बहाल हो, उसके लिए कुछ भी कर गुजरना हो, ये कर्मचारी एक तरह से तैयार बैठे हैं ओंकार जी। दूसरी तरफ सरकार की दलील देख लेते हैं। सरकार ये कह रहे हैं कि कर्मचारियों को कोई भी देखें तो लाभ देने में सरकार ने कभी कोई एक तरह से कमी नहीं छोड़ी ओंकार जी, लेकिन जमीनी स्तर पे देखें तो खुश तो कर्मचारी भी नहीं लग रहे हैं। कर्मचारी चाहे मसला कोई भी है, अब एक चर्चा और चल पड़ी है कि पे जो रिवीजन रूल्स में जो संशोधन हुआ था पिछले दिनों, अब उस पे फिर से संशोधन होने जा रहा है। जी जी, क्या कहेंगे? बिल्कुल राजेश जी, लगता है कि कर्मचारी अपनी अपनी डफली अपना अपना राग के तौर पे काम कर रहे हैं। ये हमारी जो कई कर्मचारी नेताओं से आज भी बात हुई है जी, तो उनका ये कहना था कि कर्मचारियों को एक तरह से जो है अंधेरे में रखा गया, पे रिवीजन रूल्स में संशोधन की उनका कहना है कि बिल्कुल जरूरत ही नहीं पड़ती जी। अगर एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं, बड़े पदाधिकारी हैं, जो सरकार के बिल्कुल क्लोज कॉन्टैक्ट में थे, जो रोज जिनका मिलना जुलना था सरकार से, वो कर्मचारियों की बात रख रहे थे जी, जी। तो उन्होंने होमवर्क ही नहीं किया। हाँ। पूरे रूल्स नहीं पढ़े, पूरी टेक्निकलिटीज नहीं देखी गई, जल्दबाजी और बहुत इतनी जल्दबाजी में ही किया गया कि एक तरह से सरकार से वो शाबाशी लेना चाहते थे और कर्मचारियों में जो थे वो एक बड़े नेता के रूप में अपने को सिद्ध करना चाहते थे। तो अब जब ये पे रूल्स में रिवीजन होगा, राजेश जी आप देखेंगे अगर सरकार इस मसले को एक्सेप्ट कर लेती है, एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा क्योंकि कर्मचारियों से जुड़ा हुआ मामला है, बिल्कुल, तो पिछला जो प्रोसेस था वो एकदम से रुक सा जाएगा। बिल्कुल, तो ये कर्मचारियों को ये एक तरह से लगता है कि ये कर्मचारियों को नवासी घाटे का कर्मचारियों के नवासी वर्ग हैं का जो इससे इस जो नियम जो संशोधित किए हैं उससे जो प्रभावित हो रहे हैं। अब इस पे अगली अपडेट अगर हम देखें तो पे रिवीजन फिक्सेशन की इस समीक्षा के लिए कल से कर्मचारी संगठन, विभिन्न कर्मचारी जितने भी संगठन हैं, एनजीओ को ज्ञापन सौंप सकते हैं, क्योंकि नवासी जो कर्मचारियों के एक तरह से वर्ग हैं, उन वर्गों में से अधिकतर वर्ग ये कह रहे हैं कि उनको इन रिवीजन से कोई लाभ एक तरह से नहीं मिला है। अब कल से इस पे नए सिरे से मुहिम शुरू होने जा रही है। सचिवालय में जो एनजीओ का ऑफिस है वहां पे जो प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी ठाकुर खुद बैठेंगे, जितने भी इन कर्मचारी संगठनों के 2 दिन सोमवार और मंगलवार तक वो ज्ञापन लेंगे, फिर उस पे स्टडी करने की बात कही जा रही है, फिर सरकार से चर्चा इस पे होगी, क्योंकि पिछले कल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर खुद बोल चुके हैं कि बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं, बहुत सारे कर्मचारी वर्ग सरकार से एक तरह से नाराज हैं कि जब नियम बदले जा रहे हैं, फिक्सेशन जब कर्मचारियों की हो रही है तो उन्हें लाभ नहीं मिल रहा है, इसीलिए इस पे कल से और कल और परसों 2 दिन बड़े महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं, कल बैठक भी इस पे होने जा रही है ओंकार जी। तो इस तरह की प्रदेश भर में देखें तो एक तरह से कर्मचारियों के बीच जो एक माहौल है उसको सरकार भी अब शांत करने की कोशिश करना चाहेगी। दूसरी तरफ देखें तो मंत्रिमंडल की बैठक फिर आ गई है ओंकार जी। जी जी बिल्कुल, आउटसोर्स का इंतजार है कि कहें तो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जी जी, लगातार इंतजार पे इंतजार या डेट पे डेट, पॉलिसी पे पॉलिसी, जिस तरह की वो मांग कर रहे हैं कि पॉलिसी एक बार सरकार अनाउंस तो कर दे, क्या इस बार आएगी? राजेश जी देखिए कि आउटसोर्स पॉलिसी, जैसे आपने कहा कि कैबिनेट की बैठक आने वाली है और ये शायद 15 सितंबर को प्रस्तावित है। बिल्कुल, तो 15 सितंबर को प्रस्तावित है, पर इससे पहले मैं दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि 15 सितंबर से पहले भी एक बैठक होनी थी आउटसोर्स पॉलिसी को लेकर। तो कैबिनेट की जो सब कमेटी है उसके जो चेयरमैन है ठाकुर महेंद्र सिंह है, उन्होंने एक अंतिम बैठक लेनी थी, उस बैठक के बाद एक एजेंडा तय किया जाना था, तो अभी तक वो बैठक ही नहीं हुई है, एजेंडा ही तय नहीं हुआ है, तो इसको 15 की कैबिनेट की बैठक में कैसे रखा जाएगा ये थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है। तो हम ये मान के चलते हैं कि शायद ही इस मुद्दे को, आउटसोर्स पॉलिसी के मुद्दे को इस कैबिनेट में शायद ही मोहर लग पाए। बिल्कुल, क्योंकि अभी सूचना ये भी है ओंकार जी कि वो बैठक 15 के बाद बुलाई जा रही है। जी जी, यानी कि इस कैबिनेट सब कमेटी की जो बैठक होगी आउटसोर्स पॉलिसी के लिए वो 15 तारीख के बाद होगी, और ये वाली इस वाली कैबिनेट में आउटसोर्स का इशू या आउटसोर्स की पॉलिसी का मसला नहीं जा रहा है ओंकार जी, तो इंतजार फिर आउटसोर्स के कर्मचारियों के हाथ लगने वाला एक तरह से। दूसरी तरफ एसएमसी शिक्षकों को देख लेते हैं। शिमला में सांकेतिक हड़ताल पर डटे रहे ये शिक्षक, क्या मांगे ओंकार जी? और अभी हड़ताल खत्म कर दी शायद इन्होंने।
एसएमसी शिक्षक राजेश जी, उनका ये कहना है कि हम पिछले कई वर्षों से दूर दराज के दुर्गम क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सही है, समय पे छुट्टी नहीं मिलती है, छुट्टी का कोई प्रावधान नहीं है, कोई रूल्स नहीं है, कोई रेगुलेशंस नहीं है, हमें स्थायी पॉलिसी चाहिए। बिल्कुल। पिछले दिनों जब उन्होंने एक शिमला में एक प्रदर्शन किया तो मुख्यमंत्री स्वयं उनसे मिलने गए और मुख्यमंत्री महोदय ने आश्वासन दिया कि आपके लिए हम स्थायी नीति लेकर आ रहे हैं। तो पिछले दो दिन से ये फिर शिमला में जो है वो धरने पे बैठे हुए थे। 24 घंटे के धरने के बाद भूख हड़ताल के बाद जो है इन्होंने आज अपनी भूख हड़ताल जो है समाप्त कर दी है और एक नया ऐलान कर दिया है कि अब हम जो है नई रणनीति बना रहे हैं और अब हम जो है एक आंदोलन छेड़ने जा रहे हैं। आंदोलन छेड़ने जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखें तो इनका जो इनके लिए जो ऐलान कैजुअल लीव का सरकार ने कर रखा है, पॉलिसी का सरकार ने जो ऐलान कर रखा है, फैसला क्योंकि उस पे सरकार ने लेना है और अभी उसमें जो सीसी नियम है वो आड़े आ रहे हैं, तो इसीलिए अभी इन पे सरकार फैसला नहीं ले पा रही है एक तरह से। लेकिन जो कैबिनेट की जो मीटिंग आ रही है उसमें महत्वपूर्ण चर्चा इन 2555 शिक्षकों पर भी होने जा रही है। ओंकार जी, आपने सही कहा, हड़ताल इन्होंने अब तब तक टाल दी है, बैठक का ये इंतजार कर रहे हैं, सरकार फैसला ले लेती है तब तो ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर शायद ये कर्मचारी भी एक तरह से सरकार के खिलाफ आंदोलन का बिगुल फूंक देंगे, इस तरह के कयास या इस तरह की खबरें अब आना शुरू हो गई हैं।